नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि भगवान सूर्य को किस समय और किस प्रकार जल देने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि ताम्र पात्र के लोटे में हम भगवान सूर्य को जल देते हैं ताकि धन धान्य से हम परिपूर्ण रहें। और सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों, सूर्य पिता का कारक है और आत्मा का कारक है, साथ ही साथ पूर्वज का पूर्ण रूप आशीर्वाद सूर्य के कृपा से हमारे ऊपर बनी रहती है। मित्रों, हमेशा आपको ख्याल क्या रखना है, जब भी भगवान सूर्य को हम जल दें अर्थात अर्घ दें तो तांबे का पात्र हमारे पास होना चाहिए, या कभी आप स्टील या किसी भी बर्तन में हम जल नहीं दे सकते सूर्य को। ताम्र अत्यधिक पसंद है भगवान सूर्यदेव को, इसीलिए ताम्र का पात्र होना अति आवश्यक है। ताम्र के पात्र में जल देते समय थोड़ा गंगा जल का प्रयोग करें, 11 अक्षत अवश्य ले लें, रोली और मोली उस जल में डालें। तत्पश्चात भगवान सूर्य को देखते हुए आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें। मैं बताता हूँ, प्रणाम तो करेंगे परंतु आपको देखना कहाँ है, जो सूर्य की धाराएँ गिर रही हो नीचे उसके प्रतिबिंब पर आपको देखना है, नज़र आपकी जल की धाराओं पर होनी चाहिए। साथ ही साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और हमेशा याद रखेंगे कि प्रथम होरा में ही सूर्य को जल दें, अर्थात जब सूर्योदय हो उसके एक घंटे के अंदर अर्थात एक घंटे के भीतर, उसे होरा काल कहते हैं और ऐसा होरा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। आप ऐसा करेंगे तो अवश्य ही भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर यह खास जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।